हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रानीज किचन। आज मैं आपसे बहुत ही डिलीशियस और यम्मी रेसिपी शेयर करूंगी बटर पनीर की। अब इसको हम गार्निश करेंगे। ये हमने मलाई लिया है, आपके पास क्रीम अवेलेबल हो तो आप क्रीम ले लें बस। और ये 2-3 टुकड़े हरा धनिया का ऐड कर दूंगी। मैंने इससे पहले बटर चिकन की रेसिपी डाल रखा है, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर रखा हो तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 500 ग्राम पनीर लेके हमने स्क्वायर शेप में काट लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 स्पून तंदूरी मसाला पाउडर, 1/4 स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 स्पून अरारोट पाउडर, 1 स्पून फ्रेश दही पानी निकला हुआ, 1/4 स्पून नमक। ये चुटकी भर रेड कलर ले लिया, उसको हमने एक बूंद पानी डाल के इसको मिला लिया। इसको ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। पनीर को मिक्स कर लिया है हमने, अब इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। अब पैन में ऐड करेंगे बटर, इसको यूं घुमा लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे पनीर को। अब इसको हम लाइट गोल्डन होने देंगे। वैसे बटर पनीर है तो मैंने बटर यूज़ किया है। अगर आप ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो तो आप अपने लिए कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं होगा। पनीर गोल्डन होने लगा है, अब सबको हम पलट लेंगे। पनीर का देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। आपने बटर पनीर मसाला बनाया ज़रूर होगा और खाया भी होगा रेस्टोरेंट में, मगर आप एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाएं, आपको बहुत ही पसंद आएगा। पनीर दोनों साइड से गोल्डन हो चुका है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको एक साइड से हम रख देंगे। गैस ऑन करके हमने इसमें 6 से 7 स्पून तेल ऐड कर दिया है। अब इसमें हम ये 7 से 8 कटी हुई बारीक लहसुन, बहुत ही बारीक काट लिया है, 2 कटी हुई हरी मिर्च और 1 स्पून स्याह जीरा। अगर लहसुन आपको पसंद नहीं हो खाने में तो आप नहीं भी ऐड कर सकते हैं। अब इन तीनों को हम डाल देंगे और 30 सेकेंड सौते करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 किलो टमाटर लेके इसको बॉईल करके, हमने टमाटर की प्यूरी बना ली थी। अब टमाटर गया है तो इसमें नमक तुरंत जाएगा, 1/4 स्पून नमक ऐड करूंगी। टमाटर को हमने 2 मिनट जैसा भुना है। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 स्पून तंदूरी मसाला पाउडर, 1/4 स्पून गरम मसाला पाउडर होममेड, चुटकी भर रेड कलर। अब एक छोटा टुकड़ा डालेंगे बटर का, इसको मिक्स करेंगे और इसको खूब अच्छे से भुनेंगे हम। मसाला अच्छे तरीके से भुन गया है। गैस की फ्लेम को करेंगे लो और ये सारा जो हमने फ्राई किया था पनीर ऐड कर देंगे।
ये 10 से 15 पीस काजू का पेस्ट, 2 स्पून टोमेटो केचप, 1 कप दूध, 1/2 स्पून कसूरी मेथी पाउडर, 1/2 स्पून शक्कर, ये 1 प्याली फ्रेश मलाई, मलाई की जगह आप क्रीम यूज कर सकते हैं, मिक्स करेंगे। इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी यूज नहीं किया है, देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया है। अब इसमें उबाल आने लगा है, गैस की फ्लेम को लो करेंगे और ढक्कन से ढक के 5 मिनट तक ऐसी इसको पकने देंगे। पांच मिनट पकते हुए हो गया है, अब गैस की फ्लेम को हम बंद करेंगे। इसमें रखेंगे एक छोटी सी प्याली, ये एक गर्मा गर्म कोयला, इसके ऊपर चुटकी भर देसी घी ऐड कर देंगे और जल्दी से इसको हम ढक देंगे। उसके बाद इसको 10 मिनट के बाद आप सर्व करें। दोस्तों, इस रेसिपी को आप घर पे जरूर ट्राई करें, मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। और अपने फोटोज और वीडियोस हमको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। फिर एक और सिंपल, टेस्टी और हेल्दी रेसिपी के साथ मिलते हैं। थैंक यू।